हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, सिप्लेक्स आई ड्रॉप के बारे में समझेंगे। एक ऐसा आई ड्रॉप दोस्तों जिसे आप कान में भी डाल सकते हैं। वो क्या होता है, इसका इस्तेमाल कैसे डालना है और क्या साइड इफेक्ट दे सकता है, आपको यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी जानकारी के लिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सेसिन एक एंटीबायोटिक है, बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है जिसकी टैबलेट्स बहुत ज़्यादा चलती हैं। आप टैबलेट खाते हैं कई सारी बीमारियों में। तो सिप्रोफ्लॉक्सेसिन एंटीबायोटिक का ये ड्रॉप भी आता है, और ये ड्रॉप की अच्छी बात क्या है, ये 15 रुपये में मिल जाता है, 10-15 रुपये में मार्केट में कहीं पर भी मिल जाता है। कोई दूसरे ब्रांड पे भी जाएंगे तो वो भी इतने का जाता है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं होता है। अभी हाल में दोस्तों मैंने मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन के ऊपर वीडियो बनाया था, कई लोगों ने जानना चाहा कि भाई आप सिप्रोफ्लॉक्सेसिन के ऊपर वीडियो बनाइए। तो कई बार क्या होता है कि जब सिप्रोफ्लॉक्सेसिन काम नहीं करता है आँख के अंदर, क्योंकि आँख के तो बहुत सारे आई ड्रॉप्स आते हैं, वो भी नहीं करते, तब मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन यूज़ किया जाता है। एक हैवी एंटीबैक्टीरियल ड्रग होता है मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन। कुछ लोगों को सिप्रोफ्लॉक्सेसिन से भी आराम मिल जाता है। आराम किस चीज़ में यूज़ समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम जानते हैं आँखों में होने वाली इन्फेक्शन, कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, किसी भी तरह का आँख में जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, पस आना, आँखों में चिपचिपा रहना, इरिटेशन होना, खुजली चलना, कई तरह के इरिटेशंस और इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो वहाँ पर आप सिप्रोफ्लॉक्सेसिन दे सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। और वहीं पे बात की जाए कान की, तो कान में एक बीमारी होती है दोस्तों जैसे बोलते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना मीडिया भी होती है। मीडिया मतलब थोड़ा अंदर की तरफ होता है वो इन्फेक्शन, एक्सटर्ना मतलब कि बाहर बाहर कान के आसपास ही जो होता है इन्फेक्शन होता है, वहाँ पे पस बनने लगता है, कान बहता है और दर्द होता है। तो ऐसे मरीजों को आप इस ड्रॉप को कान में भी डाल सकते हैं। डालने का तरीका बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। हाथों को हमेशा साफ रखें, स्वच्छ रखें, पोंछ लें कपड़े से, और उस बोतल को भी जो है आपको टच नहीं करना है उसके पॉइंट को, ठीक है। आँख को खोलें, आँख में 2 बूंद डाल दो या 1 बूंद डाल सकते हो, ज़्यादा समस्या है तो 2-2 बूंद डाल दो सुबह सुबह शाम, दिन में 4 बार भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो दिन में 4 बार डालें आँख में या कान में। डालने के बाद आँखों को आप थोड़ी देर बंद करके रखें, या कान में आपने डाल दिया तो उसी करवट पर लेटे रहें ताकि दवाई थोड़ी देर पड़ी रहे कान के अंदर। तो ये लेने का तरीका होता है। सावधानियों की बात की जाए तो देखो क्या होता है, छोटे बच्चों में यूज़ कर सकते हैं लेकिन कम मात्रा में, प्रेगनेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। ड्राइव नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि धुंधलापन बना रहता है, आँखों के आगे एक ब्लरनेस बनी रहती है, तो आपको इसमें पॉसिबल कि एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। तो गलती नहीं करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों सिप्लेक्स आई ड्रॉप के बारे में, जो कि एक सिप्रोफ्लॉक्सेसिन का आई ड्रॉप है और ईयर ड्रॉप है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं। इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं, दवाइयाँ, मेडिकल साइंस, हेल्थ केयर, क्लिनिकल टिप्स, तो डू सब्सक्राइब ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।